हेलो गाइस, वेलकम टू एसएससी तैयारी। आज हम सॉल्व करेंगे 10 जुलाई की आफ्टरनून शिफ्ट के क्वेश्चंस जो पूछे गए थे एसएससी सीएचएसएल 2018 में। हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ़ ए प्लस वन बाई ए इज इक्वल टू थ्री, देन द वैल्यू ऑफ ए टू द पावर सिक्स प्लस वन अपॉन ए टू द पावर सिक्स इज इक्वल टू हाउ मच। तो भाई ए प्लस वन बाई, अगर ए हमें दे रखा है तो ए क्यूब प्लस वन बाई ए क्यूब, ये वैल्यू हम निकाल लेंगे, क्या हो जाएगी थ्री क्यूब माइनस थ्री इंटू, ये जो कॉन्स्टेंट होता है थ्री, ये वैल्यू आ जाएगी 27 माइनस 9 यानी कि 18 के बराबर। अब ये वैल्यू आई ए क्यूब प्लस 1 बाय ए क्यूब की, अब इसी का आप स्क्वायर कर दो तो भाई क्या हो जाएगा 18 का स्क्वायर, करेक्ट 18 का स्क्वायर होता है 324, ये वैल्यू आपकी हो जाएगी ए की पावर 6 प्लस 1 अपॉन ए की पावर 6 प्लस 2, ये 2 इधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 322। तो आपका आंसर आ गया क्या है, ऑप्शन नंबर 2। अब अगला क्वेश्चन क्या है, द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन। तो भाई बॉड मास में सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को, यानी कि ये वाला ब्रैकेट हमें पहले सॉल्व करना है। ये फ्रैक्शन आपका हो जाएगा कितना 11 बाई 5 माइनस, अब ये पूरे ब्रैकेट की वैल्यू कितनी आएगी, इसमें भी हम सबसे पहले तो देखो डिवीजन को सॉल्व करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 15 बाई 8 डिवाइडेड बाई 2 बाई 3 यानी कि 45 बाई 16। तो 3 बाई 5 इंटू 45 बाई 16 ये कितना हो जाएगा, 5 से चला जाएगा 9 टाइम्स, ये हो जाएगा 27 बाई 16, 27 बाई 16 प्लस 5 बाई 16 हो जाएगा 32 बाई 16, तो 11 बाई 5 माइनस 2 हो जाएगा 1 बाई 5 के बराबर, ये पूरे ब्रैकेट की वैल्यू आ गई 1 बाई 5। इक्वेशन क्या बच रही है हमारे पास, 1 बाई 2 ऑफ 8 बाई 5 डिवाइडेड बाई 1 बाई 5, 5 से 5 कट जाएगा, 1 बाई 2 इंटू 8 ये कितना आ जाएगा 4, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब ये मैंने यहाँ पे पहले इसको काट दिया, पर आप क्या करोगे ऑफ को पहले सॉल्व करना है, ठीक है, तो ये हैबिट बना लो कि ऑफ को डिवीजन के पहले सॉल्व करना है। इस केस में हमारा कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा था आंसर पे, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर ड्रॉन ऑन द हाइपोटेनस एंड वन ऑफ द परपेंडिकुलर साइड्स ऑफ अ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल्स, देयर एरियाज आर एच एंड ए रिस्पेक्टिवली, ए बाय एच इज इक्वल टू हाउ मच। तो भाई क्या बोला है, एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास, ठीक है, ये हो गया ट्राइंगल हमारा ए बी सी जो राइट एंगल है एंगल बी पर, और ए बी और बी सी क्या है बराबर है, मान लो अगर ए साइड ए है तो बी सी भी ए हो गई, और ए सी क्या हो जाएगी रूट टू है, ठीक है। अब हमें क्या बोला, इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाए हमने हाइपोटेनस पे और वन ऑफ द परपेंडिकुलर पे, तो हाइपोटेनस तो हो गई हमारी ए सी, ए सी पे अगर हम इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाए तो भाई ये साइड भी मान लो ये पॉइंट है ओ, तो ओ सी भी कितना हो जाएगा रूट टू ए, ए ओ भी कितना हो जाएगा रूट टू ए, ऐसे ही हमें कोई एक परपेंडिकुलर साइड चुननी है। मान लो ए बी पे मैंने एक को राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया, अब भाई यहाँ पे ये पॉइंट है पी, तो ए पी कितना हो जाएगा ए, पी बी भी हो जाएगा ए, हमें इंडिविजुअल इनका एरिया दे रखा है कि भाई हाइपोटेनस वाला एरिया है एच और परपेंडिकुलर साइड वाला एरिया है ए, तो भाई एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, भाई एरिया अगर आप निकालोगे एक राइट एंगल वो इक्विलेटरल ट्राइंगल का जिसकी साइड रूट टू है, तो हो जाएगा रूट थ्री बाय फोर ए स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा रूट टू ए स्क्वायर। सिमिलरली ये एरिया निकालोगे ए जो परपेंडिकुलर पे है वो कितना हो जाएगा रूट थ्री बाय फोर ए स्क्वायर, और इनका अगर रेशियो निकालना है ए बाय एच, तो ये तो देखो हो गया ए, ये वैल्यू हो गई एच, तो ए बाय एच अगर हम निकालेंगे तो ये रूट थ्री बाय फोर तो कट ही जाएगा दोनों में, तो बचेगा क्या ए वाले केस में ए स्क्वायर और एच वाले केस में रूट टू ए स्क्वायर जो हो जाएगा टू ए स्क्वायर के बराबर, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, हमारे पास क्या बचा रेशियो 1/2, तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन। तो भाई देखो ये हो गया आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब की फॉर्म, तो उसको हम कैसे लिखते हैं, हमें पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो सेम फॉर्म में हम इसको लिख देंगे साइन क्यूब 21 और कॉस क्यूब 19 का सम, तो ये क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी क्योंकि ए प्लस बी ही है, बचेगा क्या ए स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस ए बी, यानी कि साइन स्क्वायर 21 प्लस कॉस स्क्वायर 19 माइनस साइन 21 इंटू कॉस 19 प्लस साइन स्क्वायर 69 हमें दे रखा है प्लस कॉस स्क्वायर 71 हमें दे रखा है और सीकेंट 69 और कोसीकेंट 71, इसको भी हम क्या लिख देंगे, देखो सीकेंट 69 को हम ऊपर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी मान लो कॉस में अगर बदलते हैं तो ये हो जाएगी कॉस 69 और इनटू में
कोसिकेंट 71 क्या हो जाएगी, साइन 71। ठीक है, अब ये देखो साइन 21 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 69 लिख सकते हैं, ये कॉस 19 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 71 लिख सकते हैं। अब ये देखो क्या है, माइनस कॉस 69 साइन 71 और यहाँ पे क्या है, प्लस कॉस 69 साइन 71, तो ये तो आपस में कैंसिल आउट ही हो जाएंगे। बचेगा क्या, साइन स्क्वायर 21 और यहाँ पे साइन स्क्वायर 69, तो साइन स्क्वायर 69 क्या हो जाएगा आपका, कॉस स्क्वायर 21 लिख सकते हो, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1। सिमिलरली कॉस स्क्वायर 19 और यहाँ पे कॉस स्क्वायर 71 को हम लिख देंगे साइन स्क्वायर 19, अब ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी हो जाएगा 1, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 2, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इफ 40 मैन आर वर्किंग 12 आवर्स अ डे कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 डेज देन हाउ मेनी मैन वर्किंग 4 आवर्स अ डे कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 16 डेज। तो भाई 40 आदमी ने 12 घंटे काम किया एक दिन में, और ऐसे कितने दिन थे, 8 दिन, तो ये तो हमारा निकल के आ गया टोटल वर्क। ठीक है, अब ये बराबर होगा किसके, कि भाई 4 घंटे तक काम कर रहे हैं, कितने दिन के लिए, 16 घंटे के लिए, पर कितने आदमी, तो मान लेते हैं m है वो नंबर ऑफ मैन, तो भाई यहाँ से हम m की वैल्यू निकाल लेंगे, मैन डेज आवर्स का कंसेप्ट आपको पता ही होगा, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 4 से ये गया 10 टाइम। ठीक है, और क्या जा रहा है, 4 से गया 4 टाइम, ये गया 3 टाइम, 4 से ये गया 2 टाइम, तो क्या जा 10 × 3 × 2 यानी कि 60 आ जाएगा आंसर, जो है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ बुक हैज बीन co-authored बाय एक्स एंड वाई, द प्राइसेस ऑफ द बुक इन इंडिया एंड अब्रॉड आर 800 रुपीज एंड 1000 रुपीज रिस्पेक्टिवली, द रॉयल्टीज अर्न ऑन सेल इन इंडिया एंड अब्रॉड आर 10% एंड 16% रिस्पेक्टिवली, द रॉयल्टी अमाउंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एक्स एंड वाई इन द रेशियो 5:3, द गिवन बार ग्राफ प्रेजेंट्स द नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ द बुक सोल्ड इन इंडिया एंड अब्रॉड ड्यूरिंग 2012 to 2016। तो देखो भाई क्या बोल रखा है, 2012 से 2016 तक हमारे पास है दो बुक्स, सॉरी ए है जो इंडिया में बुक्स बिक रही हैं और बी है जो अब्रॉड बुक्स बिक रही हैं, और ये डेटा हमें दे रखा है कि भाई कितनी नंबर ऑफ बुक्स बिक रही हैं। ठीक है, हमें और क्या क्या दिया हुआ है कि भाई देखो अगर इंडिया में कोई बुक बिकती है तो 800 रुपये की बिकेगी, ठीक है, एक बुक, और अब्रॉड में अगर वो सेम बुक बेची जाती है तो 1000 रुपये की बिक रही है। फिर रॉयल्टी कितनी कितनी मिल रही है भाई, देखो दो लोग हैं जिनको जो ऑथर है उस बुक के, ठीक है, एक्स और वाई, तो रॉयल्टी पहले तो कितनी कितनी मिल रही है, 10% मिलेगी जो बुक इंडिया में बिकेगी और 16% रॉयल्टी मिलेगी जो बुक अब्रॉड बिकेगी, और ये अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगा एक्स और वाई में 5:3 के रेशियो में, यानी कि एक्स को मिलेगा 5 भाग और वाई को मिलेगा उसका 3 भाग, यानी कि अगर टोटल 8 अमाउंट है तो 5 लेगा एक्स 3 लेगा वाई। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन में क्या पूछा हमसे, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रॉयल्टीज अर्नड इन द फॉलोइंग केसेस बाय एक्स फॉर सेल ऑफ बुक्स इन इंडिया इन 2013 and 14। तो भाई एक्स की बात हो रही है और सेल हो रही है इंडिया में 2013 और 2014 में, तो पहले 2013 और 2014 में देख लो, इंडिया की बात हो रही है यानी कि ए वाला नीली वाली बिल्डिंग हमें देखनी है, तो यहाँ पे 3 बुक और ये 3.5 बुक यानी कि टोटल 6.5 बुक बिकी। ठीक है, अब ये एक बुक का प्राइस है 800 रुपये, तो भाई 6.5 बुक का हो जाएगा 6.5 × 800, रॉयल्टी कितनी मिलेगी, 10% इंडिया में अगर बिक रही है तो ये हो गई 10%, 10/100, अब उसमें से एक्स को कितना मिलेगा भाई, टोटल अमाउंट था 5:3 यानी कि 8 भाग में से 5 भाग मिलेगा एक्स को, यानी कि 5/8 अमाउंट मिलेगा, तो हो गया 5/8, ये तो आ गया हमारा पहला पार्ट। ठीक है, और रेशियो किससे निकालना है, बाय वाई फॉर द सेल ऑफ बुक्स अब्रॉड इन 2015 and 16, तो 2015 और 16 में कितनी बुक्स बिकी है भाई अब्रॉड में, 5.5 और 6 यानी कि टोटल 11.5 बुक, एक बुक का प्राइस अब्रॉड में कितना है 1000, तो × 1000, रॉयल्टी अब्रॉड में कितनी मिल रही है 16%, तो 16% की रॉयल्टी, अभी रॉयल्टी किसकी पूछी है, वाई की, तो भाई वाई को कितना मिलेगा, 8 में से 5 भाग अगर एक्स को मिल रहा है तो बचा हुआ 3 यानी कि 3 out of 8, ये हो जाएगा वाई का पार्ट, तो बस ये रेशियो में निकालना है, 100 से 100 कैंसिल गया, 8 से 8 कट गया, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, 1 जीरो गया यहाँ से, 8 से 16 गया 2 टाइम्स, और क्या बच रहा है,
डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा, 5 से 115 गया 23 टाइम्स, 65 गया 13 टाइम्स, तो हमारे पास क्या बच रहा है, 13 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 23 इंटू 2 इंटू 3 यानी कि 13 इंटू 5 हो जाएगा 65, और 23 इंटू 3 69 इंटू 2 हो जाएगा 138, तो ये हो जाएगा हमारा रेशियो 65:138, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है, द प्राइस ऑफ शुगर गॉट रेज्ड बाय 25% टू मेंटेन द सेम लेवल ऑफ एक्सपेंसेस ऑन शुगर, अ पर्सन रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ शुगर बाय 4% एंड ऑल्सो इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर ऑन शुगर बाय X%, देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज हाउ मच। तो भाई यहाँ पे क्या बोला है, सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहिए कि भाई एक्सपेंडिचर आपका क्या होता है, प्राइस इंटू कंजम्पशन, कि भाई कितना आपका खर्च, खर्च आपका क्या है, कितनी उस चीज़ की कीमत है और कितना आप उसको कंज्यूम कर रहे हो, ये आपका खर्च होगा। ठीक है, अब हमें क्या बोला, प्राइस इंक्रीज हुआ 25%, 25% को हम फ्रैक्शन में लिखते हैं 1/4, यानी कि अगर प्राइस पहले 4 यूनिट था तो अब वो बढ़ के 1 यूनिट बढ़ गया और 5 यूनिट हो गया। कंजम्पशन में अगर हम देखें तो कितना कंजम्पशन रिड्यूस हुआ, 4% वो कंजम्पशन अपना रिड्यूस कर रहा है, यानी कि 4% को हम फ्रैक्शन में लिखेंगे 1/25, कि अगर 25 थी पहले कंजम्पशन तो अब उसने अब 1 यूनिट घटा दी और 24 अब उसकी करंट कंजम्पशन हो गई। तो भाई एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर आपका क्या होता है, प्राइस इंटू कंजम्पशन, यानी कि 4 × 25 100, यहाँ पे 5 × 24 120। हमें क्या बोला है, एंड ऑल्सो इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर बाई एक्स परसेंट, तो भाई यहाँ पे आप देख रहे हो कितना एक्सपेंडिचर बढ़ाया उसने, पहले अगर 100 रुपये खर्च कर रहा था तो अब वो 120 रुपये खर्च कर रहा है, यानी कि 20% का इंक्रीज आया एक्सपेंडिचर में, हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 144 अ शॉपकीपर लूजेस 28%, व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस फॉर ब्रिंगिंग डाउन द लॉस टू 14%। भाई मान लो आपका कॉस्ट प्राइस है 100 रुपये, अगर आपको उस पर 28% का लॉस हो रहा है तो भाई सेलिंग प्राइस आपका कितना होगा, 72। क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस गिवन है 144, यानी कि 72 की वैल्यू 144 है, तो एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 2। हमें क्या बोला है कि भाई कितना सेलिंग प्राइस हो कि जो उसका लॉस है वो 14% हो, मान लो भाई 100 रुपये पे अगर आपको 14% का लॉस होगा तो आपका सेलिंग प्राइस कितना होगा, सेलिंग प्राइस होगा 86। हमें एक यूनिट की वैल्यू 2 के बराबर दी हुई है, तो 86 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 172 के बराबर, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब अगला क्वेश्चन क्या है, 12 स्टिक्स ईच ऑफ लेंथ 1 यूनिट आर यूज्ड टू फॉर्म अ राइट एंगल ट्रायंगल, द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाउ मच। तो भाई देखो सेम क्वेश्चन था पिछले सेट में, वहां पे क्या दिया हुआ था हमें, राइट एंगल ट्रायंगल की जगह इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ था। अब हमें 12 स्टिक्स से अगर एक इक्विलेट वो राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है और हर एक स्टिक की लेंथ कितनी है, 1 यूनिट, तो आप खुद सोचो, देखो सबसे पहला ट्रिपलेट जो आपके दिमाग में आएगा राइट एंगल ट्रायंगल को देख के वो क्या होगा, 3, 4, 5 का। अब इनका अगर हम सम देखें तो कितना आ रहा है, 12, यानी कि भाई यहाँ पे 3 स्टिक्स आप हाइट पे लगा दो, 4 स्टिक्स लगा दो आपके बेस पे और 5 स्टिक्स लगा दो हाइपोटेनस पे, तो ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब हमसे एरिया पूछा है, एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, यानी कि 4 × 3, ये हो जाएगा कितना, 6 स्क्वायर यूनिट के बराबर, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है, अ बुक हैज बीन को-ऑथर्ड, ठीक है सेम डी आई है, क्वेश्चन में क्या बोला है भाई, व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ रॉयल्टी पेड टू द ऑथर्स ड्यूरिंग द ईयर्स 2012, 13 and 16। तो भाई 2012, 13 और 16 में कितनी रॉयल्टी ऑथर को मिलेंगी, तो भाई वो कितना होगा भाई, ए है आपका वो बुक्स जो इंडिया में बेची गई और बी है वो बुक्स जो अब्रॉड बेची गई। ठीक है, अब हमें 2012 में देखना अगर इंडिया का तो 2.5 यूनिट, 3 यूनिट 2013 में और 4 यूनिट 2016 में, तो टोटल 9.5 यूनिट बुक्स बिकी कहाँ पे, इंडिया में। एक बुक की कीमत है 800 रुपये, ठीक है, और उस पर रॉयल्टी कितनी मिलेगी, 10% की, तो हो गया 10%, तो ये तो आ गया रॉयल्टी जो इंडिया में मिलेगी बुक्स की, प्लस अब्रॉड कितनी बुक्स बेची जा रही हैं, 4, 5 और 6, यानी कि 15 यूनिट और एक बुक की कीमत कितनी है, 1000 रुपये, और ऐसे 16% रॉयल्टी मिलेगी इन बुक्स पे, तो 16%। ठीक है, तो ये वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है, कितनी आ जाएगी, 2 जीरो से ये 2 जीरो गए ऊपर की और यहाँ पे 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, यानी कि वैल्यू हो जाएगी 95 × 8 + 150
इंटू 16। 95 इंटू 8 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 190 इंटू 4 यानी कि 760 प्लस 16 इंटू 15 हो जाएगा 160 और 80 240 तो 2400 और ये हो जाएगा 3160 के बराबर। तो हमारा आंसर आ जाएगा 3160, तो ऑप्शन नंबर वन। अच्छा देखो ये जो बुक्स थी ये यूनिट दे रखी है हमें यहाँ पे 2.5 और एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 100 में, ये मल्टीपल्स ऑफ 100 यहाँ पे मेंशनड है, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 20 यहाँ पे और लग जाएंगे तो टोटल अमाउंट हो जाएगा 316,000। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ बुक सोल्ड इन इंडिया ड्यूरिंग 2012 टू 2015, 2012 से 2015 तक कितनी बुक्स इंडिया में बेची जा रही हैं। तो भाई ए का टोटल कर लो 2.5, 3 साढ़े पाँच और 3.5 नौ और 5 14, तो 14 और ये मल्टीपल कितने 100 के, तो 1400 बुक्स हमारी बेची जा रही है, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है, इफ ए टू द पावर 1/3 प्लस बी टू द पावर 1/3 प्लस सी टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू 0 देन ए प्लस बी प्लस सी टू द पावर 6 इज इक्वल टू हाउ मच। तो भाई हमें पता है देखो ए प्लस बी प्लस सी जब भी 0 हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर होता है 3 ए बी सी के, ये आइडेंटिटी आप सबको पता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर कैपिटल ए के बजाय हम ए टू द पावर 1/3 लिखें, बी की बजाय बी टू द पावर 1/3 लिखें और सी कैपिटल सी की बजाय सी टू द पावर 1/3 लिखें तो वो चीज़ भी यहाँ पे काम करेगी, भाई सिंपली हमने रिप्लेस करी है वैल्यू, तो ये वैल्यू हो जाएगी ए प्लस बी प्लस सी बराबर 3 ए बी सी और इनका क्यूब रूट। करेक्ट, इतनी बात क्लियर है। अब हमें क्या फाइंड करना है, ए प्लस बी प्लस सी की पावर 6, तो यहाँ पे हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसको भी हमें 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 की पावर से, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 की पावर 6, 3 की पावर 6 कितनी होती है भाई, 3 की पावर 6 होती है 729, तो 729 और ये वैल्यू क्या हो जाएगी ए बी सी 1/3 और ये हो जाएगा 6 यानी कि ए बी सी का होल स्क्वायर, यानी कि हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। भाई ए बी सी को ए बी सी के होल स्क्वायर को अगर खोलोगे तो ये आ जाएगा ना 729 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सॉरी बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, तो ठीक है आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब अगला क्वेश्चन क्या है, 10,000 rupees has to be distributed among 3 craftsmen, 5 helpers and 6 laborers such that each helper receives the amount twice as much as laborer receives, each craftsman receives the amount thrice as much as laborer receives, what is the amount received by the 3 craftsmen। तो भाई देखो हमें बता रखा 3 craftsmen है, 5 helper है और 6 laborer है। ठीक है, हमारा laborer और helper का जो अमाउंट का रेशियो है कि भाई कितना कितना अमाउंट इन दोनों को मिलता है वो क्या है कि भाई जहाँ पे अगर लेबरर को एक अमाउंट मिल रहा है ना वहाँ पे हेल्पर को 2 अमाउंट मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही लेबरर और क्राफ्ट्समैन का रेशियो दे रखा है कि जहाँ पे भी लेबरर को एक अमाउंट मिल रहा है, मान लो 1 रुपया मिल रहा है, तो वहाँ पे क्राफ्ट्समैन को कितने मिलेंगे थ्राइस, तो 1/3 यानी कि जो इनकी इनकम है कि भाई कितना कितना अमाउंट इनको मिलेगा वो रेशियो क्या आ जाएगा एल इज टू एच इज टू सी, ये आ जाएगा 1:1:2:3 कि भाई जहाँ पे लेबरर को 1 रुपया मिल रहा है, हेल्पर को मिल रहे हैं 2 रुपये, क्राफ्ट्समैन को मिल रहे हैं 3 रुपये। ठीक है, अब टोटल क्राफ्ट्समैन कितने हैं 3, तो भाई एक क्राफ्ट्समैन को अगर 3 रुपये मिल रहे हैं तो 3 क्राफ्ट्समैन को मिलेंगे 9 रुपये। सिमिलरली हेल्पर कितने हैं 5, तो भाई एक हेल्पर को अगर 2 रुपये मिल रहे हैं तो 5 हेल्पर को मिलेंगे 10 रुपये। लेबरर है 6, एक लेबर को अगर 1 रुपया मिल रहा है तो 6 लेबर को कितने मिलेंगे 6 रुपये। तो जो टोटल अमाउंट है जो इन तीनों को मिला के मिला वो कितना है 6 और 10 16 16 और 9 25, तो 25 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है 10,000 के बराबर कि भाई इन्हें 10,000 रुपये मिल रहे हैं पूरे। तो अगर 25 की वैल्यू 10,000 है, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 400 रुपये। हमसे क्या बोला है अमाउंट बताओ जो तीन क्राफ्ट्समैन को मिला, भाई तीन क्राफ्ट्समैन को कितने रुपये मिल रहे थे 9 रुपये, तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3600 रुपये। करेक्ट, तो आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब अगला क्वेश्चन क्या है, इट इज गिवन दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज ए, द वैल्यूज ऑफ इट्स पेरीमीटर इन रेडियस सर्कम रेडियस एंड द एवरेज ऑफ द लेंथ ऑफ द मीडियंस आर रिस्पेक्टिवली स्मॉल पी स्मॉल आर कैपिटल आर एंड स्मॉल डी, द रेशियो ए इज टू पी इज इक्वल टू हाउ मच। तो भाई देखो हमें अगर इन रेडियस की बात
करें तो इन रेडियस क्या होता है, इन रेडियस होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइडेड बाय सेमी पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, हमारे केस में इन रेडियस कितना दिया हुआ है, स्मॉल आर, तो स्मॉल आर बराबर होगा एरिया, एरिया क्या है ए, सेमी पैरामीटर क्या होगा भाई, देखो पैरामीटर पी है तो सेमी पैरामीटर हो जाएगा पी बाय टू, यानी कि ए बाय पी कितना आ जाएगा आर बाय टू के बराबर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू कि भाई ए बाय पी का रेशियो कितना है आर इज टू टू। अब यहाँ पे हमें ना तो सर्कम रेडियस की जरूरत थी और ना ही ये मीडियन की जरूरत थी। इनकेस अगर हमें कोई और रिलेशन भी पूछा होता तो आपको ये पता होना चाहिए मीडियन की लेंथ, देखो हम एवरेज लेंथ दे रखी है मीडियन की कितनी है डी, तो मान लो हम मान के चलेंगे हमारी जो मीडियन की लेंथ है, एक मीडियन की लेंथ वो क्या है डी, मीडियन हमारा हमेशा क्या होता है टू इज टू वन के रेशियो में डिवाइड होता है, जहाँ पे टू क्या होता है हमारा, टू होता है आपका सरकम रेडियस, यानी कि आर की वैल्यू क्या होगी टू बाय थ्री ऑफ लेंथ ऑफ मीडियन जो है डी। तो एक रिलेशन ये भी आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है, तो आपको दोनों पता होनी चाहिए आर और डी के बीच में भी और ए और पी के बीच में भी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है, ए बोरोज अ सम ऑफ रुपीज 2000 फ्रॉम हिज फ्रेंड ऑन 31 दिसंबर 2011 ऑन द कंडीशन दैट ही विल रिटर्न द सेम आफ्टर वन ईयर विद अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 8% पर एनम, हाउएवर ए गेट्स इनटू अ पोजीशन ऑफ रिटर्निंग द मनी ऑन 1 जुलाई 2012 हाउ मच अमाउंट ही हैज टू रिटर्न टू बी। तो भाई देखो ए ने बी से 2000 रुपये बोरो किए, कब 31 दिसंबर 2011 को, और बोला कि भाई वो एक साल बाद ये पैसे वापस कर देगा 8% के सिंपल इंटरेस्ट में, पर हुआ क्या, उसने ये पैसे पहले ही वापस कर दिए, कब 1 जुलाई 2012 को। भाई देखो 31 दिसंबर 2011 से 1 जुलाई 2012 ये टाइम पीरियड कितना आएगा 6 मंथ का, कि भाई 6 मंथ बाद ही उसने ये पैसे लौटा दिए जबकि उसको लौटाने थे कितने 12 महीने बाद। ठीक है, तो भाई 12 महीने में अगर वो इंटरेस्ट 8% का दे रहा था, 12 महीने में अगर वो 8% का दे रहा था, अब वो 6 महीने में लौटा रहा है तो भाई इंटरेस्ट भी कम लगेगा, इंटरेस्ट कितना लगेगा अब 4% के हिसाब से, ठीक है आधा हो जाएगा इंटरेस्ट भी। अब 4% के हिसाब से 2000 रुपये पे वो कितने रुपये देगा भाई, अगर 4% हम यहाँ पर लगाए तो ये वैल्यू हो जाएगी 80, और टोटल अमाउंट कितना वापस करेगा 2000 जो उसका प्रिंसिपल अमाउंट था और 80 रुपये का इंटरेस्ट, यानी कि 2080 रुपीज वो टोटल रिटर्न करेगा, यानी कि आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर टू। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक द एवरेज ऑफ फर्स्ट 101 नंबर्स इज इक्वल टू 102। तो देखो इस केस में आंसर हो जाएगा हमारा E1। अब ये कुछ कुछ चीज याद रखनी है आपको, एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स वो क्या होती है n के बराबर, एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स वो क्या होती है n प्लस 1 के बराबर। ठीक है, तो ये आप कोई भी रैंडम नंबर लेके देख भी सकते हो, मान लो फर्स्ट, मान लो पहले 3 इवन नंबर में लो तो क्या है 2, 4, 6, इनके एवरेज निकाल लो, इनके एवरेज कितनी आ रही है 12/3 यानी कि 4, यानी कि पहले 3 इवन नंबर की जो एवरेज आई कितनी आई, एक ज़्यादा आई, तो जितने नंबर उससे एक ज़्यादा होगी हमारी एवरेज, और ऑड के केस में जितने एन नंबर्स होंगे फर्स्ट उतनी ही हमारी एवरेज होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, टू सर्कल्स ऑफ डायमीटर्स 2 सेंटीमीटर एंड 5.6 सेंटीमीटर आर सच दैट द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 8.2 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल्स दैट डू नॉट इंटरसेक्ट द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स। तो ये हमने पिछले सेट में भी करा था, यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ पूछी है, वो किसके बराबर होती है, वो होती है अंडर रूट जो सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस होता है, इस केस में वो है 8.2, तो 8.2 का स्क्वायर माइनस हमारे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के केस में क्या होती है, ये जो रेडियस होती है वो सब्ट्रैक्ट होती है, यानी कि देखो रेडियस यहाँ पे क्या है डायमीटर दे रखी है, तो रेडियस हो जाएगी 1 और 2.8, तो हो जाएगा 2.8 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो अब ये निकालनी है हमें वैल्यू, ये कितनी आ जाएगी 8.2 का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 1.8 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो हो जाएगा 10 इंटू 8.2 और ये हो जाएगा 6.4, यानी कि अंडर रूट ऑफ 64 आंसर आ जाएगा 8 सेंटीमीटर के बराबर जो है ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग नंबर्स इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 11, 13 एंड 7। तो भाई 11, 13 और 7 से कौन सा नंबर डिविजिबल था, पिछले सेट में भी हमने किया था 1001, ये एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों नंबर से डिविजिबल है,
और इससे जो भी अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है ना, मान लो अगर दो डिजिट नंबर है, दो डिजिट नंबर है मान इन केस 65 है, 65 को अगर हमने 1001 से मल्टीप्लाई किया तो वो नंबर क्या हो जाएगा, 65065। अगर कोई नंबर तीन डिजिट का हुआ, मान लो 656 हुआ, तो उस केस में इससे मल्टीप्लाई होके वो क्या हो जाएगा, 656656। ठीक है, तो रिपीटिशन चलता है यहाँ पे। अब देखो कौन से नंबर में रिपीटिशन आपको दिख रहा है, यहाँ पे ऑप्शंस में इसमें कोई रिपीटिशन नहीं है, इसमें रिपीटिशन है, इसमें भी कोई रिपीटिशन नहीं है और ना ही इसमें कोई रिपीटिशन है, तो ए के आंसर बच गया ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी ठीक है, ये करेक्ट आंसर। अब अगला क्वेश्चन क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एच इज अ रेगुलर ऑक्टागन इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल विद सेंटर एट ओ, द रेशियो ऑफ एंगल ओ ए बी टू एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू हाउ मच। तो भाई पहले तो एक ये आप अपना एक ऑक्टागन बना लो, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑक्टागन, लेबल कर देते हैं ए बी सी डी ई एफ जी और एच। अभी क्या है, एक सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है, तो ऐसा कुछ आपका सर्कल हो गया, ठीक है, इसके अंदर इंस्क्राइब्ड है और सेंटर है उसका ओ। हमसे क्या बोला है, पहले तो ए और बी को सेंटर से जोड़ देते हैं, एंगल ओ ए बी, ओ ए बी कौन सा एंगल हो गया, ये वाला, ठीक है, इसको लेबल कर देते हैं अल्फा। फिर एंगल ए ओ बी, ये हो जाएगा ये वाला एंगल, इसको लेबल कर देते हैं थीटा। तो हमसे क्या पूछा है, अल्फा इज टू थीटा की वैल्यू बताओ। अब भाई देखो अल्फा क्या होगा, अल्फा होगा जो इस ऑक्टागन का इंटरनल एंगल है, इंटरनल एंगल का हाफ। भाई इंटरनल एंगल ऑक्टागन के केस में क्या होता है, 135 डिग्री। अब किसी को ये निकालना ना होता हो तो वो कैसे निकालेगा, भाई हमें पता है किसी भी रेगुलर पॉलीगन का अगर आपको इंटरनल एंगल निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एन बाय टू पाई बाय एन, जहाँ पे एन क्या होती है, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन। इस केस में है 8 ऑक्टागन है तो ये वैल्यू हो जाएगी 6, पाई की वैल्यू 180 डिवाइडेड बाय 8, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3, ये गया 4 से, ये गया 45 यानी कि 135 डिग्री। तो यहाँ पे आप अगर आपको याद है कि भाई 135 डिग्री होता है इंटरनल एंगल ऑक्टागन के केस में, तो उसका वो लिख सकते हो, नहीं तो आप ऐसे निकाल भी सकते हो। तो भाई अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 135/2, ठीक है, और थीटा, अबे थीटा क्या होगा भाई, अगर मान लो मैं ऐसे ही एच से भी जोड़ दूँ, जी से भी जोड़ दूँ, तो ये चलता 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 पूरा एक 360 डिग्री बनाएगा, और थीटा क्या होगा उस 360 डिग्री का 1/8 पार्ट, क्यों भाई ऐसे 8 बन जाएंगे हमारे ट्राइंगल, और हर एक की वैल्यू अगर थीटा है तो कितनी, 8 थीटा की वैल्यू आ जाएगी 360 डिग्री, और थीटा की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी कितनी, 45 डिग्री। तो अब देखो थीटा भी आ गया कितना, थीटा आ गया 45 डिग्री, अल्फा की वैल्यू हमने निकाली 135/2, तो ये चला जाएगा नीचे, 45 से 135 जाएगा 3 times, रेशियो कितना आ जाएगा, 3:2, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, शॉपकीपर नॉर्मली अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल ड्यूरिंग अ सेल सीजन, ही डिसाइड्स टू गिव टू मोर डिस्काउंट्स, द फर्स्ट बीइंग एट अ रेट ऑफ 50% ऑफ द ओरिजिनल, यानी कि ओरिजिनल क्या है देखो 10%, तो 10% का 50% यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 5%, तो ये जो पहला डिस्काउंट है, फर्स्ट डिस्काउंट ये हो गया 5% का, एंड द सेकेंड एट अ रेट ऑफ 40% ऑफ द फर्स्ट, यानी कि ये जो फर्स्ट है 5%, इसका 40% वो कितना हो जाएगा, सेकेंड डिस्काउंट आपका यहाँ पे हो जाएगा 40% होता है 2/5 यानी कि 2%, तो 2% हो गया सेकेंड डिस्काउंट, ठीक है। क्या पूछा है हमसे, व्हाट इज द परसेंटेज रेट ऑफ द इक्विवेलेंट सिंगल डिस्काउंट करेक्ट अप टू 2 decimal places। तो देखो आपको 3 discount मिल रहे हैं टोटल, पहला डिस्काउंट 10%, फिर सेल सीजन स्टार्ट हुआ और 2 discount और मिलने लगे आपको, एक है 5% का, दूसरा 2% का, तो यहाँ पे 5% और 2%। अब इनका अगर हमें इफेक्टिव रेट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, पहले इन दो का निकाल लो, कितना आ जाएगा 10+5 -10 × 5/100, कितना आ जाएगा 15 - 0.5, 14.5%। अब 14.5 और 2 का निकाल लो, कितना आ जाएगा, यह आएगा 14.5 + 2 - 14.5 × 2, कितना होगा 29/100, ये वैल्यू आ जाएगी 16.5 - 0.29 यानी कि 16.21% के बराबर, आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है।
अगला क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इरेशनल क्वांटिटी। तो भाई इनमें से कौन सी क्वांटिटी इरेशनल है? इरेशनल क्या होती है? देखो रैशनल होता है आपका 1/2, ए बाई बी की फॉर्म में हमेशा रैशनल नंबर होता है, और इरेशनल क्या होता है? जहाँ पे भी आपका अंडर रूट, क्यूब रूट ये सब आ जाए वो होती है हमारी इरेशनल वैल्यूज। तो भाई 10/30 इंटू 10/60 क्या होता है? 1/√3 इंटू √3 यानी कि 1, ठीक है। साइन 30 क्या होता है? 1/2, ये भी रैशनल है हमारा, ठीक है। फिर 10/45 होता है 1, तो बचा एक ही ऑप्शन बच गया डी, और कॉस 30 होता क्या है? √3/2, तो यहाँ पे रूट आ गया, तो ये हमारा इरेशनल हो गया, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, इफ ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 12 एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 110, देन विच अमंग द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू। तो भाई मैंने बता रखा है, जब भी आपको स्क्वायर्स का समेशन दे रखा हो और उनका जो आउटपुट है यानी कि जो सम जो है हमारा वो कोई इतना ज़्यादा ना हो, तो उस केस में आप सिंपली अज्यूम कर सकते हो स्क्वायर्स की वैल्यू। इस केस में भाई देखो कहाँ तक जाएगा मैक्सिमम ये स्क्वायर? 10 के स्क्वायर तक जाएगा। भाई कोई भी एक नंबर होगा वो 10 का स्क्वायर हो सकता है मैक्स, क्योंकि भाई 11 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा? 121, तो इस नंबर से एक्सीड कर जाएगा। तो भाई आप लिख लो पहले 10 तक के स्क्वायर, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 और 100। अब भाई किन तीन स्क्वायर्स से हमारा 110 सम बन रहा है? आप देख के अगर बताओ तो 100, 9 और 1, इनका सम कितना आ रहा है भाई? 110, यानी कि 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, ये हो गया 110। दूसरी क्वेश्चन क्या दे रखी है? ए प्लस बी माइनस सी। तो भाई यहाँ पे अगर आप देखो 10 प्लस 3 माइनस 1 अगर हम करें तो ये 12 के बराबर आ रही है, क्वेश्चन में भी 12 बोला है, तो दोनों इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई हो गई, यानी कि हम कह सकते हैं ए हमारा 10 है, बी क्या है 3 और सी की वैल्यू है 1। अब इक्वेशन क्या दे रखी है? ए बी बी सी और सी ए की फॉर्म में। तो भाई ए बी क्या हो जाएगा? 30, बी सी क्या हो जाएगा? 3 और सी ए क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा 10। पहला ऑप्शन क्या है? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो भाई ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कितना हो जाएगा? 30 प्लस 3 प्लस 10 यानी कि 43। ये आंसर नहीं है, 34 दे रखा है, गलत। अगला ऑप्शन ए बी प्लस बी सी माइनस सी ए। तो ए बी प्लस बी सी हो गया 33 माइनस सी ए यानी कि माइनस 10 23, तो यहाँ पे 17 दे रखा है, ये भी गलत हो गया। फिर है ए बी माइनस बी सी प्लस सी ए। ए बी माइनस बी सी हो जाएगा 27, 27 प्लस 10 37, यहाँ पे दे रखा है 17, ये भी गलत। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आप देख भी सकते हो ए बी माइनस बी सी कितना होगा? ए बी माइनस बी सी होगा 30 माइनस 3 यानी कि 27, और 27 माइनस 10 कितना हो जाएगा? 17, यहाँ पे बिल्कुल सही बैठ रहा है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गिवन द लेंथ ऑफ द पाथ्स ऑफ अ बॉल थ्रोन विद डिफरेंट स्पीड्स बाय टू बॉयज आर द सेम इफ दे टेक 0.6 सेकंड्स एंड 1 सेकंड रिस्पेक्टिवली टू कवर द सेट लेंथ, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रैवल ऑफ द फर्स्ट थ्रो इफ द सेम फॉर द सेकंड इज 96 किलोमीटर पर आवर। भाई मान लो ये डिस्टेंस है ए से बी तक आपको बॉल फेंकनी है। अब दो लोग हैं, ठीक है, जो बॉल को फेंक रहे हैं। एक ने फेंका किस स्पीड से? 96 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और वो थ्रो गया कितनी? एक सेकंड में ए से बी तक पहुंच गया। कितने में? एक सेकंड में। फिर दूसरे बंदे ने भी ए से बी तक पहुंचा दिया, भाई कितनी स्पीड से हमें नहीं पता, पर उसने 0.6 सेकंड में पहुंचा दिया, यानी कि इससे कम टाइम में पहुंचा दिया। तो भाई 96 किलोमीटर पर आवर से तो ज़्यादा ही रही होगी उसकी स्पीड। अब सिंस ये डिस्टेंस ट्रैवल सेम कर रही है जो हमारी बॉल है, तो वो क्या होगी? डिस्टेंस हम बराबर कर देंगे। डिस्टेंस होता क्या है? स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड हमें यहाँ पे क्या दे रखी है? 96 जिसकी स्पीड है वो एक सेकंड में ट्रैवल कर रही है, तो भाई एक सेकंड बराबर होगा किसके? भाई जो दूसरी बॉल है उसकी स्पीड हमें नहीं पता, मान लेते हैं एक्स है उसकी स्पीड, और वो कितनी देर में ट्रैवल कर रही है? 0.6 में। तो 0.6, तो यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 96 जीरो अपॉन सिक्स, ये वैल्यू आ जाएगी 160 किलोमीटर पर आर के अराउंड। तो आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर 3। अब हमने यहाँ पे कन्वर्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि देखो सिंस हमें इक्वेट करना था, तो अगर कन्वर्ट भी करते तो यूनिट्स हमारी कैंसिल हो ही जाती, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 160 किलोमीटर पर आर, ओके। अगला क्वेश्चन, थीटा बीइंग एन एक्यूट एंगल इट इज गिवन दैट सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस 4 टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 6, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा। तो भाई सीकेंट स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये इक्वेशन हो जाएगी आपकी 1 प्लस 5 टेन स्क्वायर थीटा बराबर 6, यानी कि 5 टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा
किसके, 5 के, और 10 स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1। और 10 स्क्वायर थीटा 1 कब होता है भाई, जब थीटा आपका 45 डिग्री हो। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन क्या है भाई, सेम डीआई का ही क्वेश्चन है। क्या पूछा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रॉयल्टीज अर्नड बाय एक्स एंड वाई ड्यूरिंग द ईयर्स 2014 एंड 15 टेकन टुगेदर। तो सबसे पहले तो टोटल रॉयल्टी निकाल लो 2014 और 2015 में। भाई 2014 में जो इंडिया में बुक्स बेची गई यानी कि ए वाली, तो 3.5 और 5, तो ये है 8.5 यूनिट्स। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 800, ठीक है, और उस पे रॉयल्टी कितनी मिल रही है 10% की। ये है जो बुक्स इंडिया में बेची गई, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब बची जो बुक्स हैं जो अब्रॉड बेची गई वो कितनी है भाई, 4.5 और 5.5, यानी कि 10 यूनिट बुक्स हमारी बाहर बेची गई, एक यूनिट की वैल्यू है 1000 रुपये और उस पर रॉयल्टी मिल रही है कितनी, 16% की। तो ये जो टोटल अमाउंट आएगा ये कितना आएगा भाई, ये आपका 00 यहाँ कट गया, 00 यहाँ कट गया, ये आ जाएगी 85 इंटू 8 प्लस 1600। तो 85 इंटू 8 कितना हो जाएगा भाई, 170 इंटू 4 यानी कि 680 प्लस 1600 जो होगा 2280 के बराबर। अब 2280 आ गई आपकी टोटल रॉयल्टी। अब सिंस ये देखो 100 में है, मल्टीपल ऑफ 100, तो आप 20 और लगा सकते हो, तो 228,000 ये आई टोटल रॉयल्टी। अब ये डिवाइड होगी एक्स और वाई में, किस रेशियो में, 5:3 के रेशियो में। क्वेश्चन में क्या बोला हमसे, डिफरेंस बताना है भाई। देखो ये अगर 5:3 के रेशियो में डिवाइड हो रही है तो हम कहेंगे कि टोटल 8 यूनिट में डिवाइड हो रही है, 8 यूनिट की वैल्यू 228,000 है, ठीक है, और हमसे पूछा है इनका डिफरेंस। तो भाई डिफरेंस कितना है, 5 और 3 में 2 यूनिट का, तो 2 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है। 8 यूनिट की वैल्यू इतनी है, तो भाई 2 की वैल्यू 4 से डिवाइड करके आ जाएगी, तो 4 से डिवाइड करेंगे 228,000 को, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 20 बचा, 6 24 बचा, 40 सॉरी 7 ही हो गया ना, तो 7 28 और 30, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 57,000 जो है ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, तो ओके गाइस, ये थे शिफ्ट के क्वेश्चंस। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। बाय बाय एंड टेक केयर।